कैसा लग रहा है मैडम फेशियल? कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। जी नमस्ते, आप रबिया जी? जी मैं शिवदास घोड़के, वो कल फोन पे बातचीत हुई थी ना उर्दू क्लास के बारे में। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, ऐसे फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो मुझे एक नाटक के रिहर्सल के लिए भी जाना है, तो वहाँ पे टाइम पे पहुँचना जरूरी है ना, और मेरे को मेरा लैंग्वेज सुधारने की भी जरूरत है। वो तो लग रहा है। क्या लगा आपको? जिस पेशे में आप हैं, उसमें सारा काम जुबान का ही तो है। ये सब अदाकारी, ये डायलॉग बाजी, ये सब साफ जुबान का ही खेल है। एकदम बराबर बोला आपने मैडम, हमारे प्रोफेशन में बोल बच्चन की बहुत जरूरत है, और मेरे को मेरा बोल बच्चन ही सुधारने का है। पूछो क्यों? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं मैडम जी, पूछो ना, पूछो क्यों? क्यों? अभी बराबर पूछा आपने। वो क्या है ना, हमारा मदर टंग मराठी है, और बचपन से लेकर 12th तक का और बाद में ग्रेजुएशन का पूरा पढ़ाई अपना मुंबई महानगर में हुआ, मतलब आमची मुंबई। हमारा मुंबई भाषा ना पूरा खराब हो गई है, मतलब ना मराठी बराबर, ना हिंदी बराबर, ना अंग्रेजी बराबर। इन शॉर्ट मेरा भाषा का पूरा वाट लगेला है मैडम। और वो तो अब और साफ तरीके से जाहिर हो रहा है। इसी वास्ते तो मैं अपनी भाषा सुधारने के लिए आया हूँ। वो आपका एडवर्टाइजिंग भी देखा था मैंने। मैंने कहा ना, आप सही जगह हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये उर्दू के कोर्स के बाद आप देखिएगा, आपका खुद पर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैडम जी, ये आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। 100%। तो फिर ठीक है। मैडम जी, अभी मैं असल पॉइंट पे आता हूँ। ये कोर्स का फीस कितना रहेगा? इसका वास्ता इस बात से है कि हफ्ते में आप कितने दिन आएंगे। हफ्ते में कितने दिन क्लास होंगे इसके? हमारा ये कोर्स लचकदार है, आप जितना वक्त दे पाएंगे उस हिसाब से सेशन होंगे। अच्छा, ऐसा क्या? मैडम जी, हफ्ते में कितने दिन इसके क्लास होंगे? 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार। तो बराबर है, मैं अक्का 5 दिन आ जाऊंगा। तो अक्का मेरा मतलब है पूरे 5 दिन की फीस 10,000 रुपए होगी। क्या, 10,000 रुपए? हाँ, हर महीने का 10,000। मैडम जी, आपको तो मालूम है कि ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी। हमारे जैसे थिएटर एक्टर को तो पैसे की बहुत टंटा रहती है। वैसे ही कोर्स 6 महीने का है, और हमने बहुत सोच समझ कर फीस मुनासिब रखी। यानी कि 60,000 का फटका? शपथ। आप इसको खर्च मत समझिए, इन्वेस्टमेंट समझिए। क्या पता इस कोर्स के बाद आपको टीवी में, मूवीज में काम मिलने लगे। क्या टीवी? मैडम जी, टीवी नहीं, बड़ा पर्दा, सिल्वर स्क्रीन, मतलब हर एक को रहती है फिल्मों में दिलचस्पी। शायद? नहीं नहीं मैडम, शायद नहीं, पक्का समझिए, मतलब हर स्टेज एक्टर को तो दिलचस्पी रहती ही रहती है, अपने को मालूम है ना। वैसे फायदा तो मेरा ही छे, अगर फिल्मों में रोल मिल गया तो एक झटके में फीस वापस मिल जाएगी। आप सही कहती है मैडम जी, मैं इसको खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। आप चिंता मत कीजिए,
मैं कहीं से भी फीस का जुगाड़ कर लेता हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि आप क्लास अटेंड कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ या अपने घर? आपका कोई दफ्तर या गाला है जहाँ पे क्लास हो सकती है? वो भी हो जाएगा, फिलहाल तो अभी दो ही सूरत है। तो ठीक है, इस सूरत में आपका घर ही ठीक रहेगा मैडम जी। मैं बराबर बोला ना, ये सूरत शब्द बराबर बोला ना मैं? हाँ ठीक इस्तेमाल किया। तो आप कब आना चाहेंगे? वैसे मैडम जी सुना है कि कल करे सो आज कर, लेकिन नहीं कल ही ठीक रहेगा। मैं कल कितने बजे आऊँ? दरअसल वो मैं अपने शौहर से कंफर्म करके फोन पर बता दूंगी। शौहर यानी कि हस्बैंड? हाँ। लेकिन उनसे पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो ही आपको उर्दू सिखाएंगे। चलेगा चलेगा, आपने को क्या करना है, आपने को सिर्फ सीखने से मतलब है। तो मैं चलता हूँ मैडम। मैडम जी मैं आपके फोन का वेट करूंगा जी। नमस्ते। नमस्ते, खुदा हाफिज। वो आए हमारे घर, खुदा का कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने इस घर को देखते हैं। क्या बात है सूर्यकांत जी, आपके इस अंदाजे बयां की क्या बात है। शुक्रिया, आपका चलेगा। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। वो क्या है कि कभी कभी मैं भी थोड़ा बहुत शेर शायरी कर लेता है, माफ कीजिए मानी थोड़ा लेट हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बाकी आप इस खैर मकदम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये खैर मकदम क्या? खैर मकदम मतलब स्वागत, इस्तकबाल। स्वागत, वेलकम। वेलकम राइट, वेलकम। हाँ यू आर वेलकम, वेलकम सर। शुक्रिया। ये सब तो साइड बिजनेस है सर, चलता रहेगा। पहले आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या लेंगे, चाय या शरबत? अरे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पी चुका हूँ। एक बार मेरे साथ पीना पड़ेगा, आप पहले बार मेरे घर पधारे। पधारे नहीं पधारे। हाँ वही वही मैं बोला, पधारे 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 राइट। हाँ बिल्कुल सही, हालांकि ये हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसका मतलब होता है तशरीफ रखना, तशरीफ लाना। लेकिन फिर भी मैंने आपको टोका क्योंकि उर्दू जबान में काफी हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल होता है। उर्दू जबान खालिस हिंदुस्तानी जबान। वो कैसे? आपको शायद पता नहीं, उर्दू की जाए पैदाइश हिंदुस्तान है, इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इस जबान की पैदाइश का सहरा अमीर खुसरो के नाम, ये गंगा जमनी तहजीब की एक बेजोड़ मिसाल। मतलब? मतलब ये फारसी, अरबी और हिंदी के साथ साथ ब्रिज, अवधी और यहाँ तक कि संस्कृत का मिलाजुला संगम। वैसे मेरे को लगता है आपकी उर्दू जबान के साथ साथ इसका हिस्ट्री जानने का भी मेरे को मजा आ गया था। इसी बात पे एक कप चाय। जी। ओ, आपको शरबत तो नहीं चाहिए था? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, चाय तो मैं कभी भी पी सकता हूँ, इसके लिए ना तलब की जरूरत नहीं होती। वैसे तलब का मतलब? तलब का मतलब जरूरत महसूस हो रही थी। जब किसी चीज की आदत लग जाए और उसकी चाह बढ़ जाए और ना मिले तो उसे तलब कहते हैं। ये लफ्ज खास तौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब पानी की चाह आदत बन चुकी हो और उसका न मिलना अखरता। ये मेरे साथ होता है, जब सुबह सुबह मेरे को सिगरेट नहीं मिलती ना तब बहुत। हाँ सिगरेट, तंबाकू और किसी और नशे की तलब बहुत ज्यादा होती है। हाँ बहुत दिक्कत होता है। मेरे ख्याल से ये सिगरेट तंबाकू अच्छी आदत नहीं है। मैं मानता सर, मैं खुद छोड़ने के चक्कर में सर, जब से मेरा बेटी टीनेज हुआ है ना सर, मेरे को सर उसके सामने सिगरेट पीने में सर मेरे को बहुत शर्म आता सर। लेकिन क्या करूँ सर, ये अपने सोसाइटी, अपना फ्रेंड सर्कल, इसे को ना नहीं होता सर। स्पेशली तब सर जब गजल और शेर और शायरी का महफिल हो सर। अरे सूर्यकांत जी, ये गजल और शेर और शायरी अपने आप में एक नशा है, फिर और नशे की क्या जरूरत है? आप ठीक कहते सर, मैं खुद इसको छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट किया। तो ठीक है, हम क्लास का आगाज गजल से करते हैं। आपने ये जो शेर कहा ना, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आप जानते हैं इसके कलमकार कौन है? नहीं, वो मेरे को गजल सुनने के बाद वो शेर अच्छा लगा तो मैं याद किया। देखिए अगर आप सही माने में उर्दू जबान के कदरदान हैं, गजल के शौकीन हैं,
तो एक बात आप जान लें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये गजल किसके कलम से निकली है। और इस तरह से आप शायरों के अंदाज़े बयां, उनके तर्ज, उनके ख्यालात को जान पाएंगे। इस तरह से फिर आपको उनके मजामीन में और गहराई मिलेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ सर। नाउ आई एम योर स्टूडेंट। तो ठीक है सूर्यकांत जी, आज तो वैसे भी पहला दिन था आपसे मिलने का, आपके बारे में जानकारी लेने का। तो अगले सेशन से सही शुरुआत करेंगे क्लास की। हाँ, और ये जो आपने शेर कहा था ना, ये आप पूरी गजल याद कर लीजिए, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। ओके सर, एग्जैक्टली एट 7। यस, एग्जैक्टली एट 7। चलिए आइए सर, मैं आपको छोड़ता नीचे। गुड इवनिंग मैडम जी, माई सेल्फ गगन गुप्ता। वो क्या है कि हमें उर्दू क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करनी है। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नो थैंक्स, बस हमको वो उर्दू क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए है। हाँ, पूछिए ना। हमारा मतलब है ये उर्दू क्लिनिक आपका है? मैं और मेरे शौहर, यानी मेरे हस्बैंड, हम दोनों का है। शौहर? वो इस वक्त क्लास लेने गए, एक स्टूडेंट के यहाँ। मतलब उर्दू सिखाने का होम डिलीवरी है? हाँ, ऐसे कुछ समझिए, होम डिलीवरी का भी इंतजाम है। आप कोई बिजनेस करते हैं? हाँ। आपको कैसे पता लगा है? वो आपने होम डिलीवरी का नाम लिया ना, तो उससे अंदाजा लग गया। क्या है मैडम जी, हम वैक्यूम क्लीनर के सेल्समैन हैं। आप एक सेल्समैन हैं, फिर आप उर्दू क्यों सीखना चाहते हैं? सही पूछा मैडम जी आपने। अब बात यह है कि हमें ज्यादातर ना लोगों के घरों पे जाकर प्रोडक्ट का डेमो देना पड़ता है। अब बहुत मगजमारी का काम है, कितना रिजेक्शन होता है आप समझ नहीं पाएंगे। लोगों से कैसे बात करें, कैसे उनके घर में एंट्री लें और कैसे लोगों के साथ बिहेव करें, ये सब हमारे लिए जानना तो बहुत जरूरी है ना। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर अचानक कस्टमर का मन बदल जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा हमने क्या भूल दिया कि कस्टमर का मन उखड़ गया। फिर सोचते हैं कि जरूर हमारे बोलचाल में ही कुछ कमी होगी। मुझे खुशी हुई कि आप अपनी कमजोरियों को इतनी बारीकी से देखते हैं। अब यही तो पता नहीं है कि कमजोरी है क्या। कई बार हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, वो तहजीब नहीं, तहजीब। हाँ हाँ, वही वही तहजीब। वैसे हमारा सेल्स रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने सेल्स को और बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए। हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। यकीन कीजिए, इस कोर्स के बाद आपकी तहजीब, तमीज और बातचीत के तौर तरीके सब ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है मैडम, हम अब जल्द से जल्द ये कोर्स जो है शुरू करना चाहते हैं। वैसे आप हैं कहाँ से? सही पूछा मैडम, दरअसल हम पटना बिहार के रहने वाले हैं। वहीं से स्कूल कॉलेज किया है, MA तक पढ़ाई की है हमने, और उसके बाद काम की तलाश में यहाँ आ गए चाचा के पास। अब 4 साल से यही है। अब तो बात और साफ हो गई, ये माजरा क्या है। देखिए, ये 6 महीने का कोर्स है, हर हफ्ते में 5 सेशन होंगे और कोर्स की फीस होगी 10,000 रुपए। सिर्फ 10,000? ये 1 महीने की फीस है। हाँ, तभी तो हम कहें कि इतना कम कैसे हो सकता है, अरे इतनी महंगाई के जमाने में। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आपको ये फीस ज्यादा महसूस नहीं हुई। जी मैडम, वो हम खुद भी तो बिजनेस में है ना, हमें पता चल जाता है कि कितना मार्जिन है, ज्यादा है कि कम है। भाई हम ये फीस देने के लिए तैयार हैं। तो आप क्लास के लिए क्या पसंद करेंगे, आपके घर या? अरे हमारा कहाँ घर मैडम, हम तो खुद चाचा के यहाँ रह रहे थे।
अभी तो पेइंग गेस्ट में शिफ्ट हुए हैं, अब एक काम करते हैं, हम यहीं आ जाएंगे ना। और देखिए, लेकिन हम केवल शाम को आ पाएंगे क्योंकि दिन में हमें ड्यूटी पर जाना होता है। ठीक है, शाम का कौन सा वक्त सही रहेगा वो हम आपको फोन पर बता देंगे अपने हस्बैंड से सलाह करके। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? दरअसल हम ये कोर्स जो है ना अगले हफ्ते से शुरू कर पाएंगे, वो हमें अगले हफ्ते बोनस मिलने वाला है, तभी तो फीस दे पाएंगे ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब जब चाहे ज्वाइन करें। ऐसा तो नहीं मैडम जी कि हमारा कोर्स छूट जाएगा और हम बाकी स्टूडेंट से पिछड़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दी जाए। तो ठीक है मैडम, क्योंकि हमें हार बर्दाश्त नहीं, हरगिज नहीं, चलते हैं मैडम। शुक्रिया। गुड नाइट मैडम। गुड लीजिए, गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए। ये क्या, आप तो अपने में खोए रहते हैं। गर्मा गर्म चाय का मजा लेने का मतलब ये है कि सब तामझाम एक तरफ रखिए और हमारी बात सुनिए। ये तो चाय ना हुई रिश्वत हुई। अब आप इसे कोई भी नाम दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरी बात गौर से सुनिए। फरमाइए। हमें लगता है उर्दू क्लिनिक का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो रोज हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो लोग हमें पूछताछ के लिए फोन कर रहे हैं, इसे साफ जाहिर है आम क्या खास क्या, सब तबके के लोग उर्दू सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। जी, मैं भी इस इश्तिहार के तासुर से बहुत हैरान हूँ। हाँ, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। आप तो क्लास लेने चले जाते हैं, उसके बाद 10-15 कॉल्स आते हैं, उसे अटेंड करते करते कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और उनमें मार्केटिंग कॉल्स और उलझुलूल कॉल्स भी बहुत होती होंगी। उसे तो मैं शुमार ही नहीं करती। अरे वाह, ये तो आप बहुत ही हिम्मत का काम कर रही हैं फिर। जी हाँ बेशक, अगर आप इसके लिए रिसेप्शनिस्ट को रखते तो कम से कम 10,000 रुपए देने पड़ते। अरे कहाँ अपनी बराबरी रिसेप्शनिस्ट से कर रही हो बेगम, आपका ओहदा और रुतबा तो यहाँ है। इस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। और आपकी जगह यहाँ। कहाँ? यहाँ दिल में। लो फिर शुरू हो गए। फोकस मियाँ जी, फोकस। अभी उर्दू क्लिनिक के मुस्तकबिल के बाबत बहुत मंसूबे बनाने बाकी हैं। अरे वो तो बनते रहेंगे, लेकिन जो पास में है ना उसे जाने नहीं देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। अब छोड़िए, ये कोई वक्त है क्या? देखिए मेरा फोकस खराब मत कीजिए। अब ये कौन आ गया मेरा फोकस खराब करने? जी मैं प्रकाश मूलचंदानी, फोन पे शायद आप ही से बात हुई थी ना उर्दू क्लास के लिए? हाँ हाँ, ये मेरे शौर कादरी साहब और ये है प्रकाश मूलचंदानी, वैसे शार्ट में लोग मुझे पीएम भी कहते हैं। आइए आइए अंदर आइए। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा प्रकाश जी, अगर मैं आपको प्रकाश कहूंगा तो चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। प्रकाश जी आप सिंधी हैं क्या? अरे आपको कैसे पता चला? जितना भी ये आनी सने वाला लोग होता है ना वो सब सिंधी होता है, जैसे अडवानी, तेजवानी, जेठमलानी और अंबानी, सब सिंधी होता है। हाँ सो तो है। प्रकाश जी आप उर्दू क्यों सीखना चाहते? अरे उर्दू बहुत बढ़िया जुबान है ना। जस्ट जोकिंग, वैसे सिंधी भी बहुत अच्छी जुबान। वैसे तो हर एक को अपनी मादर टंग कुदरत अच्छी लगती है। हाँ। और आपको तो मालूम ही होगा सिंधी और उर्दू में एक चीज यकसां है। क्या है? यकसां मतलब कॉमन है। क्या है वो? दोनों की स्क्रिप्ट एक ही है। अरे ये मैं कैसे भूल गया, दोनों की स्क्रिप्ट तो एक ही है। हाँ बिल्कुल। अब कलेजा ठंडा हुआ। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओ
फोन पे क्या नाम बताया था आपने? राबिया, राबिया कादरी। हाँ राबिया जी, और ये चाय के लिए डबल थैंक यू। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? हाँ प्रकाश जी, आपको उर्दू सीखने में क्यों दिलचस्पी? वो क्या है कादरी साहब? कादरी, 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 री, कादरी, राइट, राइट। वो क्या है कादरी साहब? इसके दो रीजन, एक तो ये कि मुझे शब्दों को सही तरीके से बोलना आना चाहिए, और दूसरा ये कि पेशे से मैं वकील हूँ, और अभी मेरे पास कुछ पुराने केस आए हैं, पुश्तैनी जमी जायदाद के केस हैं। अब उसकी केस हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के टाइम से चले आ रहे हैं केसेस हैं, और पता चला है कि ज़्यादातर ये फाइलें उर्दू में हैं। अब असिस्टेंट तो है मदद के लिए, लेकिन मुझे भी तो उर्दू आनी चाहिए कि नहीं, कि सिंधी भाई को कोई बेवकूफ नहीं बना सके, गुमराह नहीं कर सके। आपको तो पता है कि अदालत में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो केस में हार या जीत हो जाती है। आप बेफिक्र रहिए प्रकाश जी, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, और आपको वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। हाँ वो सब तो फोन पे मुझे डाबिया जी ने, राबिया जी ने बता दिया था, इसलिए तो मैं आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि क्लास कब शुरू होगा और उसकी फीस कितनी है? देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। वो राबिया जी आपको समझा देंगे, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पहुंचना है एक स्टूडेंट के घर पे क्लास लेने के। क्या मतलब, आप क्लास लेने स्टूडेंट के घर भी जाते हैं? हाँ प्रकाश जी, वो ऑप्शन भी है हमारे पास। राबिया जी डिटेल में समझा देंगे आपको। जी 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 जी, मैं तैयार हो जाता हूँ। देखिए हफ्ते में 5 सेशन होंगे, हर महीने की फीस 10,000 रुपए है, और ये 6 महीने का कोर्स है। मैं आपको 6 महीने नहीं दे सकता, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं आपके लिए। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन शायद इसके लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी। देखिए पैसों की चिंता आप मत कीजिए, पैसों का टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा प्रकाश जी, उम्मीद है आपको राबिया जी से सारी मालूमात मिल गई होगी। हाँ, इनकी एक दिक्कत है। हाँ। ये 6 महीने का कोर्स नहीं कर सकते, इनके पास सिर्फ 3 महीने, तो मैंने इनसे कहा है कि हम कोई रास्ता निकालेंगे ताकि इनका काम बन जाए। हाँ प्रकाश जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जरूर, और आपको कल शाम तक इन्फॉर्म भी कर देंगे। चलेगा, है ना? और पैसों की चिंता मत कीजिए आप, पैसों के बारे में मैंने राबिया जी को सब समझा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है, तो कल शाम को ही फिर मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, तो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, इतनी जल्दी क्या है, मुझे भी तो निकलना ही है। नहीं मैं जरा लेट हो जाऊंगा ना। अरे आप लेट नहीं होंगे, गाड़ी है मेरे पास, मैं गाड़ी से छोड़ दूंगा। किस तरफ जाना है आपको? मैं मारवे रोड, वो कॉर्नर पे वो बंगला है ना 42, वहां पे जाना। हाँ तो चलिए, मुझे भी उस तरफ ही जाना है। हाँ चलना। हाँ प्रकाश जी, ये कप 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 कप। ओह थैंक यू, थैंक यू राबिया जी, राबिया जी सॉरी। कहो बरखुरदार, क्या हो रहा है? जनाब धक-धक हो रहा है, हलचल मची है मेरे अंदर। वो जो आप एक्सरसाइज, जो मशक आप देकर गए थे, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं। ऐसा लग रहा है कोई इम्तिहान देने जा रहा हूँ। अरे ये एक किस्म का इम्तिहान ही तो है, इम्तिहान से क्या घबराना? हाँ और जिंदगी हर पल इम्तिहान ही तो होती है। वो सब तो ठीक है जनाब, लेकिन लेकिन मुझे फेल होना कतई पसंद नहीं है। ये जज्बा और भी अच्छा है, इसे बरकरार रखना आगे बहुत काम आएगा। चलो शुरू करते हैं। जनाब चाय नहीं पियेंगे? मैं बना के लाता हूँ। ए सोनू, देखो बहानेबाजी करके वक्त जाया नहीं करो, और ये टाल मटोल बंद करो और आज का सेशन शुरू करो। लाओ। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी। हाँ एफर्ट। एक मिनट जनाब, आप अंग्रेजी बोलेंगे? हाँ मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं जब चाहूँ अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए, और अगर मुझे वाजिब लगे मुझे हिंदी इस्तेमाल करना, मैं हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा, समझे? जी जनाब। हाँ बताइए, एफर्ट के लिए उर्दू का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कोशिश।
कोशिश, बहुत खूब। अगला लफ्ज है पेज, वर्क, बहुत खूब। वैसे इसे सफा यानी पन्ना भी कहते हैं, हाँ इसे भी जहन में रख लेना। ओके जी जनाब। अच्छा जहन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? जनाब जहन तो खुद ही उर्दू लफ्ज है, उसके लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? मैं जानबूझ के लिए उल्टा पूछ रहा हूँ, मुझे इसका हिंदी या अंग्रेजी लफ्ज चाहिए। लेकिन जनाब आपने ऐसा तो नहीं कहा था, ये तो सरासर चीटिंग है जनाब। सुनो मैं यहाँ पे सिर्फ उर्दू सिखाने के लिए नहीं आया, आपका दिमाग कैसे चौकन्ना रखना है ये भी सिखाने आया। जनाब समझ गया जनाब, जहन के लिए दिमाग लफ्ज इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है माइंड। करेक्ट, बहुत खूब, एकदम सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्वेस्ट के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? इल्तिजा। वेरी गुड। एक्सरसाइज, मश्क, फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत। बातचीत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में? गुफ्तगू। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया जनाब। अच्छा शुक्रिया, शुक्रिया के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है दूसरा? हाँ दूसरा लफ्ज जो हम कई बार अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर चुके हैं। कौन सी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया था जनाब? किया था, खैर कोई बात नहीं, अगर जहन में नहीं आ रहा आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, एजुकेशन। नहीं याद है जनाब। ट्रांसलेशन, जिसे हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं। माफ कीजिए जनाब, बहुत मुश्किल है, नहीं याद आ रहा। डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लफ्ज है तर्जुमा। तर्जुमा, तर्जुमा, हाँ, तर्जुमा। अच्छा डिसअपॉइंट के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मायूस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक काम करते हैं, सुनो। जी जनाब। एक दिन और लो आप, और आप ये सारे अल्फाज दोबारा फिर से याद करो, और ऐसे याद करो कि मैं कैसे भी पूछूं, मतलब अगर मैं पूछूं इसका हिंदी से उर्दू क्या है, उर्दू से हिंदी क्या है, हिंदी से अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी से उर्दू क्या है, जैसे भी पूछूं आपको जवाब देना होगा। मंजूर? मंजूर है जनाब। वैसे आपने बहुत अच्छी कोशिश की सोनू, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। क्या मेहरबानी जनाब? शुक्रिया के लिए दूसरा लफ्ज है मेहरबानी। देखा, ऐसे ही दूसरे अल्फाज जहन में रख लेना। बिल्कुल जनाब, जिसके बाबत हम दूसरे सेशन में बात कर लें। जी जनाब। अच्छा सोनू, अब मैं चाय पीना चाहूंगा। यकीनन पिलाएंगे जनाब, मैं लेके आता। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर, बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने